लखनऊ में ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गजानन बड़ा खेल खेल गया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी गजानन ने बाराबंकी में सरेंडर कर दिया है। अब लखनऊ पुलिस हत्या के मामले में विवेचना कर आरोपी की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बहुत ही चालाकी से पुराने 406 धारा के दर्ज मुकदमे में जमानत तोड़वा कर पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। आरोपी के सरेंडर करने के बाद लखनऊ पुलिस डिलीवरी बॉय हत्या मामले में विवेचना कर गजानन को रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी आकाश शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि कैसे जब भरत ऑनलाइन ऑर्डर किए गए मोबाइल की डिलीवरी देने आया तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया जिसमें मुख्य आरोपी गजानन भी शामिल था। जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जाँच थाना स्तरीय पर की जा रही थी, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही थी। जब हम लोग इस पर काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा दो मोबाइल फ़ोन मंगाए गए जिसमें एक मोबाइल फ़ोन वीवो V40 Pro और एक गूगल पिक्सल 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। बता दें कि लखनऊ के चिन्हट इलाके में डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या 24 सितंबर की दोपहर में की गई थी। 2 से 3 घंटे तक आरोपी लाश घर में ही रखे रहे, फिर देर शाम कार में लाश रखकर 10 से 12 किलोमीटर ले गए और उसे नहर में फेंक दिया। इस दौरान किसी को जरा भी भनक तक नहीं लगी। वहीं इस वारदात को भी हफ्ते भर हो गए लेकिन अभी तक मृतक भरत कुमार का शव नहर से बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से शव की तलाश के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। NDRF, SDRF और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं। हालांकि हत्यारोपियों की तरफ से जिन दो मोबाइल फोन को ऑर्डर किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। अब देखना होगा कि गजानन से बाकी का बचा हुआ सच कब तक निकल कर सामने आता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।